दोस्तों मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटेक्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर नयन बंसल की, जो कभी दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींचकर चाबी के छल्लों पर लगाकर बेचा करते थे। लेकिन कुछ नया करने का जुनून, सूझबूझ और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी वैल्यूएशन आज के समय में 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। लेकिन नयन बंसल की यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। इंटेक्स टेक्नोलॉजी टीवी, वेबकैम, स्पीकर, होम थिएटर जैसे अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है। लेकिन आपके लिए यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि नयन बंसल ने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? दोस्तों नयन बंसल की कहानी की शुरुआत होती है 1963 में राजस्थान के भद्रा नाम के एक गांव में नयन बंसल का जन्म हुआ। उनके पिता भवनलाल बंसल अनाज का कारोबार किया करते थे। नयन बंसल की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही छोटे से स्कूल से स्टार्ट हुई थी। फिर उनका पूरा परिवार नेपाल शिफ्ट हो गया और नेपाल में नयन बंसल ने विश्व निकेतन हाई स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। और 1980 में नयन बंसल का पूरा परिवार एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गया और नयन बंसल ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। नयन बंसल बिजनेसमैन माइंडसेट के इंसान थे, इसलिए वो शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे और उन्हें अपने पिता का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉकेट मनी के लिए दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर फोटो खींचकर चाबी के छल्लों पर लगाकर बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2-3 महीने यह काम करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ना तो इस काम में कोई अच्छा खासा प्रॉफिट है और ना ही इसमें कोई खास एक्सपीरियंस हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने ऑडियो वीडियो कैसेट बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय ऑडियो वीडियो कैसेट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और उन्हें इस फील्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी नज़र आ रहा था और ना ही उन्हें इस बिजनेस में कोई खास इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। वह थोक में ऑडियो वीडियो कैसेट उठाकर दिल्ली के चांदनी चौक, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर जैसे रिटेल स्टोरों पर बेच देते थे, जिससे कि उनके पास शाम तक ही पैसा आ जाता था। 2-3 महीने यह काम करने के बाद उन्हें अच्छी खासी इनकम होने लगी। वो पर मंथ 2-3 हज़ार रुपया कमाने लगे। उस टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट होता था। 2-3 साल यह काम करने के बाद नयन बंसल ने कुछ बड़ी चीज़ों पर नजरें जमाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत में अधिकतर चीज़ें चाइना और कोरिया के मार्केट से आती हैं। इसीलिए उन्होंने चाइना के मार्केट को समझने के लिए 2-3 साल बाद चाइना के हांगकांग चले गए। हांगकांग जाकर उन्होंने छोटे रिटेल स्टोरों से दोस्ती बढ़ाई और इंडिया आ गया। और इंडिया में उस टाइम पर कंप्यूटर का क्रेज चल रहा था। उस टाइम पर कंप्यूटर आना ही आना शुरू हुए थे। नयन बंसल ने इस मौके पर चौका मारते हुए अपने कॉन्टैक्ट का फायदा उठाया और चाइना से कंप्यूटर इंपोर्ट करने लगे और इंडिया में सप्लाई करने लगे। इस तरह से 2-3 साल तक यह काम करने के बाद नयन बंसल ने 1994 में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपनी खुद की एक कंपनी खोली। उसका नाम उन्होंने इंटेक्स रखा। अब वह चाइना से छोटे छोटे कंप्यूटर इम्पोर्ट करके इन्हें इंडिया में सेटअप करके सप्लाई करने लगे। दोस्तों आज के समय में इंटेक्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। दोस्तों आज के समय में इंटेक्स में 11,000 लोग काम करते हैं और नयन बंसल के साथ अब उनके बेटे केशव बंसल भी उनका सहयोग देते हैं। दोस्तों आपने देखा ना कि कैसे दिल्ली के बिरला मंदिर से फोटो काम खींचने से स्टार्ट हुई कंपनी आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बनी। दोस्तों आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे हो और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएँ।